हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे। तो चलिए ये बढ़ाते हैं अपने सीरीज को आगे और डील कर लेते हैं आज बीएससी सेकेंड ईयर का, स्पेशली हेमीकॉर्डेट्स को, कि आखिरकार फाइलम हेमीकॉर्डा क्या कहता है अपने जनरल कैरेक्टर्स में। आज के वीडियो में हम डील करेंगे हेमीकॉर्डा का जनरल कैरेक्टर, और कल के वीडियो में डील करेंगे हेमीकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग जनरल अकाउंट्स एंड इंपॉर्टेंट एनिमल को डील करेंगे अपने सीरीज में, किसके? हेमीकॉर्डेट्स के सीरीज में। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक, तो आप पेन कॉपी रफ जो भी निकालना है निकाल के बैठ जाओ। गर्मी अपरंपार है, आप लोग प्यार दे रहे हैं एप्लीकेशंस को, आप लोग चैनल को भी प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और थोड़ा सा और प्यार दीजिए, आपका प्यार है कि पीछे बोर्ड लग गया है, आपका प्यार और बचाए। ये जो गर्मी लग रही है ना, इसका उपाय आप ही करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेटेड कीजिए कि वो चैनल पे आए एंड हमारे एप्लीकेशन पे जाएं और थोड़ा कोर्स को परचेस करें। अभी आपका प्यार तो मिल ही रहा है, अधिक से अधिक जो बच्चे जुड़ेंगे तो हम लोग इस रूम को सही तरीके से और कैटेगराइज कर देंगे अलग अलग पार्ट में, ताकि हम लोग सही तरीके से पढ़ा पाए। वैसे देखो तो गर्मी लग रही है, लेकिन हम क्लास नहीं छोड़ेंगे, हम क्लास बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे। गर्मी हमको लगती है, आप क्योंकि फैन चलेगा तो वॉइस आ जाएगा। ठीक, इतना ज्यादा नॉइस आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, सुनना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो एसी लग जाएगा, बट आपका देना, जल्दी लगाना। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास टॉपिक हो जाता है क्या, हमारे हमको क्या पढ़ना है आज? पढ़ना है सब फाइलम हेमीकॉर्डेटा। क्या पढ़ना है? सब फाइलम हेमीकॉर्डेटा। ये आता है सब फाइलम फर्स्ट के अंतर्गत, तो ये आपको एनिमल दिख रहा होगा। ठीक, तो चलते हैं अपने जनरल फीचर्स के पास चलते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स, किसकी? जनरल कैरेक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं हेमीकॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेट्स मतलब हाफ फ्लाइट, यानी हाफ नोटोकार्ड, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म इनके बॉडी के अंदर होंगे उनमें जो नोटोकार्ड होगा वो कैसा होगा? हाफ होगा। कैसा होगा? हाफ होगा, यानी इनमें नोटोकार्ड फुल्ली डेवलप नहीं होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि जो हेमीकॉर्डेट्स होते हैं उनके कॉर्डेट जैसे सिमिलरिटीज होते हैं, यानी कॉर्डेट जैसे सिम्टम्स होते हैं। इसी के वजह से कुछ हमारे जो साइंटिस्ट रहे थे, कुछ वर्कर रहे, उन्होंने क्या किया, कुछ बायोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेशली फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत एक सब फाइलम बनाया, जिसका नाम उन्होंने दे दिया हेमीकॉर्डेट्स। क्या नाम दिया? सब फाइलम हेमीकॉर्डेट्स का नाम दे दिया था। बट आगे बात करते हैं, ग्राउंड लेवल की बात करें एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। क्या करें? जनरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो रिसेंट जो हमारे साइंटिस्ट आए थे, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास वेंडर आए 1939 ईस्वी में, डेविड आ गए का 1948 ईस्वी में, यहाँ पे मार्कस आए, और यहाँ पे 1958 ईस्वी में हाइमन आ गए 1959 ईस्वी में। तो ये चार साइंटिस्ट आए हैं। क्या? चार साइंटिस्ट आए हैं। सबसे पहले बात करें किसकी, हमने बात किया वेंडर का। ठीक, वेंडर के ये आएंगे 1939 ईस्वी में। दूसरे में हमने क्या चीज की बात किया, हमने यहाँ पे डेविड की बात किया, ये कब आ गए वहां पे 1948 में। उसके बाद हमने तीसरे नंबर किसकी बात कर लिया, हमने बात किया यहाँ पे मार्कस, क्या आ गए इनको मार्कस बोलते हैं, मार्कस कब आ गए यहाँ पे, आ गए 1958 में। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे हाइमन आ गए, क्या आ गए, हाइमन सीरीज आ गए, तो हाइमन ने क्या दिया 1959 में। ठीक, तो ये क्या किए, स्पेशली की बात कर रहा हूं, क्या स्पेशल साइंटिस्ट हमारे पास अलग अलग आ गए। ठीक, ये आ गए 1958 में, ये 1959 में। ठीक, तो ये चार लोग आए, और चार लोग मिलके क्या बताएं कि हमारे स्पेशली इनके स्टेटस देखा, इनके स्टेटस कैसे थे। मैं व्हाट्सएप स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी स्टेटस की बात कर रहा हूं, किसके? फाइलम, जो हमारे अंडर फाइलम के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको नॉन कॉर्डेटा बोलते थे, उनका एक नाम दे दिया गया, क्या? हेमीकॉर्डेटा। लेकिन पहले इसको कॉर्डेट्स के अंतर्गत रखा जाता था, बट अब इसको हेमीकॉर्डेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो नोटोकार्ड होता है वो फुली डेवलप नहीं होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, चलो इनके कैरेक्टर्स को डील करते हैं। ठीक, इनके ग्रुप के कैरेक्टर्स को देखते हैं, आखिरकार हेमीकॉर्डेट्स कैसे होते हैं। कॉर्डेटा इनका सब फाइलम है, और कॉर्डेट्स इनके एनिमल को बोला जाता है। ठीक, क्या? हेमीकॉर्डेट्स इनके एनिमल को बोलते हैं। बात करेंगे हैबिटेट की, तो हैबिटेट यानी रहते कहाँ है, रहने का मतलब यहाँ पे होगा कि मोस्टली कैसे होते हैं, जो हमारे ब्रॉम यानी बिल बना के रहते हैं, कैसे रहते हैं, बिल बना के। ये समुद्र कहाँ पे, समुद्र के किनारे कहाँ पे, ये देख रहा है यहाँ पे, ये कहाँ रहेंगे स्टूडेंट, ये समुद्र के किनारे स्पेशली एक बिल बनाते हैं। ठीक, ये होता है यू शेप बिल, कैसा, ये यू शेप का एक बिल बना के रहते हैं। ठीक,
तो ध्यान देना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग यहां पर बोलते हैं ब्रॉग। ठीक, ये बिल बना के रहेंगे, इस चीज को ध्यान देना, कहां पे रहेंगे, समुद्र के किनारे रहेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं बॉडी फॉर्म का। तो बॉडी फॉर्म कैसा होगा, काफी मुलायम होता है। कैसा होता है, काफी मुलायम होता है। और यहाँ पे कैसा होगा, वर्म लाइक, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिमी स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, क्रिमी जैसा होगा। ठीक, और ये डिवाइडेबल होता है कहां पे, प्रोबोसिस में, कॉलर में एंड ट्रंक में। क्या, प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक में। तो चलो आओ, ये ट्रंक क्या होता है, प्रोबोसिस क्या होता है, कॉलर क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक, मान लो एक ऐसा एनिमल है, ठीक, ये इसका ये पार्ट है, ये इसकी पूंछ है, क्या है, ये इसका पूंछ है यार। ठीक, अब देखो ध्यान समझना। ठीक, अब ये जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान देना, प्रोबोसिस। ठीक, ये हमारा प्रोबोसिस हो गया। ये जो हमारा रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर रीजन। ठीक, और ये जो हमारा रीजन, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रंक रीजन। तो आपको ध्यान देना, जितने भी एनिमल पाए जाएंगे, ठीक, ये क्या है, हेमिकॉर्डेट्स हैं। तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया आपने इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दे दिया यहाँ पे प्रोबोसिस। हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हमारा, हम इसको देखो प्यारे प्यारे रंगों से कलर कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा प्रोबोसिस एरिया हो जाएगा, और ये हमारा कॉलर हो जाएगा, और नीचे हमारा ट्रंक हो जाएगा। यानी बॉडी इनकी तीन पार्ट में कैसे होगी, डिवाइडेबल होगी। ठीक, थोड़ा सा गर्मी लगी रहा है, आपको भी गर्मी लग रहा होगा, यदि फैन नहीं चल रहा होगा, वैसे हमको पता है कि आप फैन में बैठ के देख रहे होंगे इसको। ठीक, आगे बॉडी वॉल की बात करते हैं। बॉडी वॉल कैसा होगा, बॉडी वॉल पाया तो जाएगा, बट कैसा होगा, सिंगल लेयर होगा, किसका, एपीडर्मिस का। कैसा, एपीडर्मिस का, सिंगल लेयर का इनके बॉडी में क्या होगा, बॉडी वॉल देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करते हैं सीलोम। सीलोम कैसा होगा, एंटेरोसिलोमेस होगा, यानी एंटेरोसिलोमेस मतलब इनके बॉडी में कॉर्डेट जैसे ही सिलोमिक कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगा। आखिर बात करेंगे आप पांचवें नंबर की, यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड की बात करते हैं। क्या, स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड पाया जाएगा कहाँ पे, होलो जैसा होगा, खोखला होगा, आउटग्रोथ दिखाएगा कहां पे, रफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा, एरिसिस की बात करता है, एरिसिस में रफ लाइक स्ट्रक्चर यानी रफली होगा, आउटग्रोथ के साथ आएगा, खाली खाली होगा कहां पे, बकल कैविटी, क्या, ऑफ द बकल कैविटी। इसे हम स्पेशली क्या बोलते हैं, बकल डाइवर्टिकुलम, क्या बोलते हैं, बकल डाइवर्टिकुलम का नाम देते हैं। और ये प्रेजेंट होता है कहां पे, प्रोबोसिस में। यानी आपसे पूछा जाए कि बकल डाइवर्टिकुलम कहां पाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि जो हमारा प्रोबोसिस एरिया है, प्रोबोसिस एरिया पे ही बकल डाइवर्टिकुलम देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव डक्ट की। तो डाइजेस्टिव जो ट्रैक होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड होता है और कंप्लीट भी होता है, काफी जटिल व्यवस्था होती है और वो पूरा होती है। ठीक, आगे बात करते हैं नंबर सेवन। नंबर सेवन यहाँ पे गिल स्लिट की बात कर रहा है। तो गिल स्लिट कैसा होगा, स्पेशली ध्यान देना, ये कैसे होंगे, नैरो होंगे। कैसे होंगे, नैरो होंगे। ठीक, और स्पेशल ओपन होते हैं कहां पे, फेरिंग्स के, यानी फेरिंग्स में ओपन होंगे, कौन, हमारे गिल स्लिट देखने के लिए मिल जाता है। आगे बात करें, कभी कभी ये एक से अधिक, यानी एक गिल स्लिट भी मिलेगा और एक से अधिक भी साथ में सटे हुए पेयर्स के रूप में गिल स्लिट देखने के मिल जाता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक, आगे बात करते हैं, जो हमारा गिल स्लिट होता है वो कहां पाया जाता है, डार्सल पोजीशन पे। ये लाइन याद रखना, मल्टीपल चॉइस में आप सीएसआर नेट, ठीक, आप यूजीसी सीएसआर नेट की बात कर रहा हूं, नेट एंड बाकी एंट्रेंस एग्जाम एमएससी की, वहां पे आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोल जाता है कि हेमिकॉर्डेट्स के अंतर्गत जो गिल स्लिट होता है वो कहां, उनकी पोजीशन कैसी होती है, वो डार्सल पोजीशन पे होती है। इस पॉइंट्स को आप नोट करके ले जाइएगा। आगे बात करते हैं, लेकिन जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स के अंतर्गत लैटरल फॉर्म होता है, ये भी इसी जगह याद कर लो। जो हमारे कॉर्डेट्स होंगे उनमें क्या होगा, लैटरल कंडीशंस में होंगे, लेकिन जो हमारे हेवी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डार्सल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे, कौन, स्पेशली स्ट्रक्चर्स। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे नंबर एट। नंबर एट में हमारे पास आएगा रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन कैसा होगा, यहाँ पे ब्रेंचियल, क्या, ब्रेंचियल स्पेशल, और यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है प्रोटीन, क्या बोलता है, प्रोटीन बोलते हैं इसको, प्रोटीन। तो ब्रेंचियल देखने को मिलता है, ब्रेंचियल, और वो भी कहाँ पे, फेरिंग्स के अंतर्गत, यहाँ पे फेरिंग्स के अंतर्गत।
जो हेल्प करता है किसकी, गिल स्लिट की, यानी गिल स्लिट हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्क करता है क्या, रिस्पायरेशंस के अंतर्गत। बात करें यहाँ पे अगले फीचर्स यानी यहाँ पे किसकी, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स की, तो आप ध्यान देना ये कैसा होता है, ओपन होता है, कैसा होता है, ओपन होता है यूजली विथ ए कंट्रैक्टाइल हार्ट। यहाँ पे हार्ट वेसिकल जैसा एक स्ट्रक्चर देखने के मिलेगा और इसके साथ साथ टू लांगिक चुंडल यानी अनुधर की बात करता है, ठीक, खड़े खड़े, ठीक, टू लांगिक चुंडल वेसिकल दिखाई देंगे यानी सॉरी वेसेस दिखाई देंगे, वेसेस क्या हो गया भाई, हाँ यहाँ पे टू वेसेस दिखाई देंगे, एक होगा हमारा वन डार्सल एरिया पे और वन वेंट्रल एरिया पे देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन वो इंटर कनेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, आउटर कनेक्टेड नहीं इंटर कनेक्ट होते हैं, अंदर की ओर जुड़े होते हैं, ठीक। आगे बात करें बाई लैटरल वेसेस यानी अंदर की ओर जुड़े होंगे किससे, लैटरल वेसेस से कौन, हमारा वन डार्सल वेसिकल्स एंड वेसल्स एंड वन वेंट्रल वेसेस जुड़े होंगे लैटरल वेसेस एंड साइनस से। साइनस क्या है, ध्यान देना, साइनस का मतलब यहाँ पे हॉर्स से रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, हॉर्ट से रिलेट कर रहा है, यानी आप कह सकते हो कि जो साइनस होता है, क्या यहाँ पे हम साइनस की बात करेंगे, ध्यान देना, जो साइनस होता है वो आपके हॉर्ट जैसा ही होता है, यानी ये गड्ढा होगा जहां से पूरे के पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कंट्रैक्ट यानी उनको संकुचित किया जाता है, जो साइनस संकुचित होता है तो पूरा जो ब्लड होता है वो डार्सल वेसिकल यानी वेसल्स एंड वेंट्रल वेसल्स में फ्लो होता है। आगे बात करेंगे ब्लड की, तो ब्लड कैसा होगा, कलरलेस होगा यानी कोई पिगमेंट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, कभी कभी यहाँ पे वेनेडियम से बना हुआ एक पिगमेंट मिलता है जो हल्का सा ग्रीन कलर का ब्लड रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये ज्यादातर स्पीसीज में कैसा मिलेगा, कलरलेस ही मिलता है। आगे बात करते हैं नंबर टेन, नंबर टेन में हमारे पास आता है स्केटरी ऑर्गन, क्या कहता है, स्केटरी ऑर्गन, स्केटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो यह सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड मिलता है जिसको हम लोग ग्लोमरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोमरस बोलते हैं, जो कहां पाया जाएगा, जो प्रोबोसिस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करते हैं अगले फीचर्स की, तो अगला फीचर्स हमारे पास क्या आता है, देखो ये आपके लाइव क्लास का पढ़ाया गया है, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैसा होगा, प्रिमेटिव होगा, काफी कमजोर होगा, कैसा होगा, काफी कमजोर होता है, वो भी इंटर एपिडर्मल, कैसा होता है, इंटर एपिडर्मल यानी एपिडर्मस के नीचे की ओर क्या होगा, इंट्रा यानी एपिडर्मस के नीचे की ओर देखने को मिलता है, स्पेशली यहाँ पे ढेर सारे नर्वस सिस्टम्स के गुच्छे होते हैं, क्या होते हैं, ढेर सारे नर्वस सिस्टम के गुच्छे होते हैं। बात करें यहाँ पे ब्लेनोग्लॉसस जो एक हेमिकॉर्डेक्स है, क्या है, ब्लेनोग्लॉसस जो एक हेमिकॉर्डेक्स है, हेमिकॉर्डेक्स के अंतर्गत क्या मिलता है, यहाँ पे डार्सल नर्व कार्ड मिल जाता है और वेंट्रल नर्व कार्ड, यानी दो नर्व कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी डार्सल नर्व कार्ड एंड वेंट्रल नर्व कार्ड दोनों सिस्टम देखने के लिए मिलता है, यानी दोनों स्ट्रक्चर्स आपको रिप्रेजेंट हो पाएगा कहाँ पे, किसी भी हेमिकॉर्डेक्स का जो स्पीसीज होगा ब्लेनोग्लॉसस उसके बॉडी के अंदर। यदि बात करें सेंस ऑर्गन की, इनमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी एपिडर्मिस होती है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सेंसरी सेल लगे होते हैं, क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स लगे होते हैं कहाँ पे, एपिडर्मिस से। तो कभी कभी पूछता है कि जो हमारे हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, क्या पूछता है स्टूडेंट, जो हमारे हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन किससे बोला जाता है, हम बोल सकते हैं जो हमारे सेंसरी सेल्स होते हैं वो एपिडर्मिस से प्रेजेंट होते हैं, जो सेंस ऑर्गन जैसा बिहेव करते हैं, ठीक। आगे बात करें यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन की, इसकी रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है भैया, सेक्सुअल होगा, मतलब इसके मम्मी पापा कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, यानी माता और पिता दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, हम शुद्ध भाषा बायोलॉजी में कह लें तो मेल और फीमेल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनकी यूनिट होती है वो सेपरेट होती है यानी अलग अलग होती है। आखिरकार इनमें क्या होगा, सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेक्स ऑर्गन जैसा गोनाड्स होते हैं, क्या होते हैं, गोनाड्स होते हैं, जो आगे चल के हमको सेक्स ऑर्गन जैसा देखने लगते हैं, मतलब मिलने लगते हैं, ठीक। तो गोनाड होगा और यहाँ पे बोलता क्या है, वन टू यहाँ पे सेवरल, ठीक, सेवरल यहाँ पे पेरिस देखने के लिए मिल जाता है, यानी यहाँ पे एक से अधिक
गुणार देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल की बात कर रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब वो बाहर जल में, ठीक, क्या बाहर जल में ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। उसका एक ईग आएगा और एक का स्पर्म्स आएगा, कहां पे, जल में आएगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी कंप्लीट होगी। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट्स की। तो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्या बोल रहा है कि जो आखिरकार इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। यही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, कैसा है, मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इनके अंदर कुछ भी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन इनके बॉडी में एक लार्वा, यानी जितने भी हेमिकॉर्डिस होते हैं उनमें एक फ्री सीविंग, क्या बोलते हैं, फ्री सीविंग एक लार्वा होता है, जिसको टोनोरिया, क्या बोलते हैं, टोर्नोरिया, टोर्नोरिया लार्वा बोलते हैं। तो ये लाइन याद रखना कि ये कैसे होंगे, ये स्पेशली इनडायरेक्ट क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन इनके बॉडी में क्या, इनके बॉडी के बाहर जब हमारे पास क्या होगा, पूरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, जब इनका डेवलपमेंट होगा, तो हमको क्या मिलेगा, समुद्र में जहां पे रहते हैं वहां पे फ्री सीविंग यानी स्वतंत्र प्लावक के रूप में टोनोरिया लार्वा मिलेगा। इस क्लास में मैंने पढ़ा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक ठीक टोनोरिया लार्वा मिल जाएगा। एग्जाम्पल के बेसिस पे देखेंगे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैनोग्लॉसस मिल जाएगा एंड सार्कोग्लॉसस मिल जाएगा, क्या सार्कोग्लॉसस मिल जाता है एंड सिफेलो डिस्कस मिल जाएगा, ठीक। तो उसके बाद रैप्डोप्लूरा मिल जाएगा। तो ये चार लोग हैं, एक भैया यहां से कर लो, एक यहां से कर लो, ठीक, दो हो गया, तीन यहां से कर लोगे, चौथा यहां से कर लोगे, चार एग्जाम्पल आपके लिए छोड़े जाते हैं आज के इस पूरे सेशंस में। तो जाहिर सी बात है आप पूरा पूरा नोट कर लिए होंगे, आपको मजा आया होगा, आप याद भी कर लेंगे। बेसिक ट्रिक है, काफी ज्यादा बवाल नहीं मचाना है जूलॉजी में, ठीक, बवाल मचाओगे जूलॉजी में क्योंकि आगे चल के कॉर्डिस को इतना बड़ा पढ़ना है, ठीक, अभी बवाल मचा दोगे तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा लेक्चर क्लास अभी तक आपके 28 लेक्चर क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, 100 से ज्यादा लेक्चर क्लास हमारे कॉर्डेटा सीरीज में बनते हैं, ठीक। तो मिलते हैं कल वाले क्लास में लेके हेवी कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन नए वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।